सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में। तो इस स्मार्टफोन्स का लीक्स आप लोगों को पता है कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आज मैं आप लोगों को इसी स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर दूंगा जो कि अभी निकल के सामने आया है। तो कुछ दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी F62 को गीकबेंच सर्टिफिकेशन साइट में देखा गया था, और इससे हमें इसी स्मार्टफोन्स का कुछ स्पेस पता चला कि सैमसंग के F62 में आप लोगों को ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो सैमसंग का F62 आएगा ये सैमसंग के मिड रेंज सीरीज में सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा पतला स्मार्टफोन होने वाला है। तो अभी आप लोगों को पता है कि सैमसंग के A सीरीज को छोड़कर सैमसंग के M सीरीज और सैमसंग के F सीरीज में आप लोगों को 6000-7000 mAh का बैटरी मिलता है, और जिसके कारण फ़ोन का जो बैटरी है वो ज़्यादा है और फ़ोन का जो थिकनेस है, फ़ोन का जो मोटापा है वो ज़्यादा हो गया है। मतलब फ़ोन काफ़ी हैवी लगता है, काफ़ी मोटा लगता है देखने में, क्योंकि नो डाउट 6000-7000 mAh का बैटरी दे रहे हैं तो फ़ोन तो थोड़ा मोटा दिखेगा ही। लेकिन ये अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आया है F62 के लिए, बताया जा रहा है कि सैमसंग का जो F62 आएगा ये स्लिमेस्ट फ़ोन होगा इस प्राइस कैटेगरी में। तो ये एक नया लीक्स है, नया डिटेल्स है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सैमसंग का F62 आप लोग को स्लिमेस्ट स्मार्टफोन मिलेगा सैमसंग की तरफ से, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होती है कि यहाँ पर आपको कितना mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, क्या आपको 5000 मिलेगा या फिर 4000 मिलेगा। अगर वो लोग फ़ोन को पतला बनाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ोन का जो mAh है वो तो कम होगा ही, फ़ोन का जो बैटरी है वो तो कम होगा ही, जिसके कारण फ़ोन को यहाँ पर पतला बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि 6000 mAh बैटरी देता भी है सैमसंग और फ़ोन को काफ़ी स्लिमेस्ट बनाता भी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आया है कि सैमसंग का जो F62 आएगा ये स्लिमेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो सैमसंग का जो F62 आएगा ये गीकबेंच में जब स्कोर हुआ था तब मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें आपको मिलेगा एग्जिनस का 9825। ये सेम एसोसी आप लोगों को सैमसंग के नोट 10 में शायद देखने को मिलता है। तो सैमसंग के नोट 10 में ये एसोसी इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोगों को इस चिपसेट का जो परफॉर्मेंस है उसे पता चल जाएगा कि कैसा परफॉर्म करता है। हालांकि एग्जोनस का कोई नया चिपसेट देते तो और अच्छा बोलूँगा, लेकिन नो डाउट 2019 का फ्लैगशिप चिपसेट आपको यहाँ पर सैमसंग दे रहा है तो अच्छा तो होगा ही, लेकिन नया रहता तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है नो डाउट। लेकिन पुराना है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं कि मिड रेंज में दे रहा है, अगर प्राइसिंग से रखते हैं तो एग्जोनस का 9825 तो मैं बहुत ही अच्छा बोलूँगा। एटलीस्ट जो एग्जोनस का 9611 है इसे हटा के यही दे रहा है तो एक अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं लॉन्च डेट की, तो बताया जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक तो शायद इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगा सैमसंग, और जो प्राइसिंग है वो 20,000 के आसपास होने वाला है। कैमरा डिटेल अभी तक नहीं पता, लेकिन कैमरा आज के टाइम से आप लोगों को उम्मीद लगा सकते हैं कि 64 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल में अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।